मैं हनुमान प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ा है और विजयी हुआ हूँ। वार्ड नंबर 5 सलारपुर से। इस विजय का श्रेय किसको देते हैं? ये विजय का श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं देता हूँ। उसके साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, साथ ही हमारे क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता का मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमें अपना स्नेह और प्रेम देकर इतनी भारी मतों से विजयी बनाया है। कितनी कठिनाइयां देखने को मिली आपके इस चुनाव में? इस बार विपक्षी भी लगातार दावे कर रहे थे जीत के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार में, कितनी चुनौतियां थी आपके? देखिए, चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है। हमारे यहाँ साक्षरता काफ़ी हद तक जो है करीब 60-70% जो है साक्षरता है, तो सभी ने बहुत ही तोल मोल के ही अपना मत दिया है और हम उनके जो है हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमें इतना स्नेह और प्यार दिया है। आपने हमारे पहली बार इंटरव्यू में हमारे चैनल पे आपने ये भी बोला था कि पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है पूरा प्रदेश और हो भी जाएगा, तो क्या लगता है 63% की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कितनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं? देखिए, 17 महा जो है महापौर में 17-17 जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो हमने जो आपसे कहा था उस समय जो मेरा आकलन था वो गलत नहीं था। समूचा उत्तर प्रदेश भगवामय हो गया है, राम की नगरी है अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में राम राम का ही नाम चल रहा है। कैसे विकास करेंगे? समस्याएं तमाम देखी जा रही है, चाहे वो जल निकासी की हो, चाहे वो सड़क की हो, क्या कुछ रहेगा आपका प्रथम दृष्टया कार्यक्रम? देखिए, अब आज मैं जो अपना विजय जुलूस लेके गया था, जुलूस क्या था, लोग साथ में सभी लोग जो है पदयात्रा में निकले थे, और आज मैंने 2-3 चीज़ों के लिए लोगों से बोला भी है। कुछ सीवर जो है चौक हो गई है, उसको साफ करने के लिए बोला है, और माननीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी ने जो काम की सूची मांगा है कि आप अपने क्षेत्र की जो भी दिक्कतें हैं उनकी सूची बनाकर हमें जो है तत्काल उपलब्ध कराइए, उस पर तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनता के एक आरोप आते हैं कि हमने आपसे ये सवाल पहले भी किया था कि नेताजी लोग जीतने के बाद नहीं दिखते हैं, आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप अब पार्षद बन चुके हैं, पहले प्रत्याशी थे। देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि नेताजी लोग दिखते नहीं हैं, तो उसमें यह कि नेताजी लोग के पास समस्याएं पहुंच नहीं पाती हैं। नेताजी आते हैं तो लोग केवल नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचाने में मशगूल हो जाते हैं, अपनी समस्याओं को नहीं कहते हैं। तो अब हम जनता और विधायक और सांसद जी के बीच की कड़ी का काम करूंगा। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सम्मानित जनता ने आपको मत दिया और मत देने के बाद आपको आज सिंहासन पर बैठा, उनके लिए आज के दिन में क्या संदेश रहने वाला? मैं आज अपने जनता से ये निवेदन करता हूं और उनको मैं ये आश्वस्त भी करता हूं कि उन्होंने जो हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया है वह कभी भी जाया नहीं जाएगा। हम उनके हर जो है मांग को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और सारी सुख सुविधाओं से उनको संपन्न करेंगे।